स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्म वन रिवीजन टेस्ट क्लास 11th का मैथ्स का है, तो जल्दी से हम इसके आंसर्स कर लेते हैं। इफ़ एफ एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 10 एफ ऑफ पाई बाय 4 हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास 120 डिग्री के बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है, नन ऑफ दीज, ये सारे ही सही हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ टेन 3 पाई बाय 12 हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी 2 √3 के बराबर, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है इफ द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ओनली साइन थीटा एंड डैश आर पॉजिटिव, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है मतलब कि कोसेकेंट थीटा वो इसके साथ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ टेन एक्स हमारे पास √3 का जो बनेगा एन पाई प्लस पाई बाय 3, ये आएगा हमारे पास। नाउ द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साइन 3 थीटा हमारे पास जो आएगा वो 2 पाई बाय 3 के इक्वल, इनके सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इफ नाइन्थ क्वेश्चन का हम आंसर बताएं तो साइन 3/5 वेयर एक्स इज लाइक सेकंड क्वार्टर, तो सी ऑप्शन इसकी राइट आंसर है। और जो टेंथ क्वेश्चन है उसके लिए हमारी भी सी ऑप्शन राइट आंसर है। 11th का जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन है। देन उसके बाद 12th क्वेश्चन की हम बात करें तो 12th के लिए हमारी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 13th के लिए हम बात करें तो 13th है हमारा जो वो डी ऑप्शन है 13th के लिए भी। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसके लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करें हमारे सेकंड 15th क्वेश्चन की तो इसके लिए 8 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। उसके बाद 16th के लिए हम लिखेंगे अगर ये तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 17th के लिए हमारी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड देन हमारे पास 18th क्वेश्चन है जो 18th के लिए हमारी जो ऑप्शन नंबर आएगी वो 21 इनके ए इज़ द राइट आंसर। और 19th के लिए हमारी 1/2 इज़ द राइट आंसर इनके डी ऑप्शन। और 20th के लिए हमारी जो है वो लास्ट ऑप्शन इनके डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप इससे आपको हेल्प होगी। ओके, टेक केयर।